नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने निवास पे आम आदमी पार्टी के सभी चुने हुए विधायकों को बुलाया था। बैकग्राउंड ये था कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक्साइज का घोटाला हुआ है और मनीष सिसोदिया जी उसके सबसे बड़े आरोपी हैं। उन आरोपों के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने पहले ही कह दिया अब मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई और ईडी का चंगुल कसा जाएगा। और ठीक उसी तरीके से सीबीआई ने मनीष जी के खिलाफ एक पेज की एफआईआर दर्ज की है। हालांकि उस एफआईआर के अंदर सब कुछ सोर्सेज के हवाले से है, मगर उस एफआईआर के बिना पे मनीष सिसोदिया जी के निवास पे और करीब 31 ठिकानों पे और उसके बाद उनके पैतृक गांवों में सीबीआई ने छापा मारा है। आपको जानकारी होगी उस छापे में कुछ नहीं मिला है, ना कोई कैश मिला, ना कोई अनअकाउंटेड ज्वेलरी मिली, सोना चांदी मिला, ना कोई गैर कानूनी गलत तरीके का दस्तावेज मिला, ना कोई बेनामी संपत्ति के कागजात मिले, कहीं पे कुछ नहीं मिला। मगर उसके बावजूद मनीष जी को गिरफ्तार करने की खबरें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर डिबेट पे बैठ के कर रहे हैं और उनके ऊपर इतना दबाव सिर्फ इसलिए बनाया गया जो मनीष जी ने सारे देश के सामने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया कि अगर आप आम आदमी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जितने भी आपके ऊपर मुकदमे हैं सबको रफा दफा कर दिया जाएगा, यहां तक आपको मालूम है। फिर हमारे चार विधायक देश के सामने आए, उसमें दो विधायक तो तीन बार के विधायक है जिन्होंने बताया 20-20 करोड़ रुपए का प्रलोभन देके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराना चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दिल्ली के गली मोहल्ले में कहा जाने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है। आज उसी सिलसिले में सभी विधायकों को बुलाया गया। मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ताओं की वीडियो आप सुनेंगे, जितने प्रवक्ताओं की डिबेट सुनेंगे, या कल जो भारतीय जनता पार्टी ने पटपड़गंज में सभा करी उसको देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है एक्साइज के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। मनोज तिवारी कहते हैं 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। इनका दूसरा प्रवक्ता कहता है 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। शहजाद पुनेवाला कहता है कि 144 करोड़ का घोटाला है। और दो दिन पहले गौरव भाटिया के साथ में बैठा हुआ था, वो कह रहे थे 30 करोड़ रुपए का घोटाला है। मतलब कोई कह रहा है 10,000 करोड़, कोई कह रहा है 8,000 करोड़, कोई कह रहा है 1.5 लाख करोड़, कोई कह रहा है 30 करोड़। और जो सीबीआई की जो एफआईआर है आप उसको देखिएगा, उस एफआईआर में है कि 1 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ है। और वो 1 करोड़ क्या है, एक शराब के कारोबारी ने दूसरे शराब के कारोबारी को 1 करोड़ रुपए चेक से ट्रांसफर किए। वो ये कह रहे हैं ये घोटाला है इसके अंदर कि ये मनीष सिसोदिया के पास गया है पैसा। हास्यास्पद बात है, मैंने कभी नहीं सुना देश में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत बैंक से मंत्री को दी जाती हो।
पूरी की पूरी एफआईआर हास्यास्पद है। अब आज की बात पे आते हैं। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये प्लांट करने शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहने लगी आम आदमी पार्टी के विधायक जो है संपर्क में ही नहीं है, आम आदमी पार्टी अपने विधायकों से संपर्क करना चाह रही है, विधायक आ नहीं रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल घबराकर ये कह रहे हैं कि सबको मेरे घर बुलाओ तब मुझे यकीन आएगा। ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला के एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मैं सबको बताना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने फेल किया। ऑपरेशन लोटस की फेलियर को मैं आज यहां पे अनाउंस करता हूं, ऑपरेशन लोटस फेल। आज हमारे इस मुख्यमंत्री जी के आवास में आपने देखा 53 विधायक मौजूद थे, 68 विधायक है, 62 विधायक है इस बार हमारे, 53 विधायक अंदर मौजूद थे। उसके अलावा स्पीकर साहब देश से बाहर गए हुए हैं टूर पे, मनीष सिसोदिया जी हिमाचल प्रदेश गए हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी विधायक हैं जैसे विनय मिश्रा, दिनेश मोहनिया, मुकेश अहलावत, गुलाब सिंह यादव, शिवचरण गोयल और अमानत, इन सब से फोन पे लाउडस्पीकर पे लेके मुख्यमंत्री जी ने बात की। सभी विधायकों का कहना है, जब पूछा गया 12 विधायकों ने कहा कि हमसे भारतीय जनता पार्टी के किसी ना किसी आदमी ने संपर्क किया कि आप आम आदमी पार्टी तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। और आज सभी विधायकों ने कहा है कि हम सब लोग अपने आखिरी सांस तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, दिल्ली की सरकार स्थिर है। मैं आप लोगों को इसका यकीन दिलाना चाहता हूं, सरकार पे कोई खतरा नहीं है। और यहां फैसला लिया गया कि अभी हम सभी लोग महात्मा गांधी की समाधि पे लेके जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे। लोगों ने यह भी कहा 20-20 करोड़ का ऑफर हमारे 40 विधायकों के ऊपर नजर लगा रखी थी इन्होंने, 40 विधायक ये तोड़ना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से, 40 विधायकों का 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपया इनके पास कहां से आया? ये तो काला धन है। ये 800 करोड़ रुपया कहां छिपा के रखा है? क्या देश की सीबीआई, क्या देश की ईडी इसको ढूंढेगी, इनका पर्दाफाश करेगी? कल महाराष्ट्र के अंदर 50 खोखा की आवाज लगाई गई। इतना पैसा 1750 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? क्या ये ईडी ढूंढेगी? आज फैसला हुआ है, सभी विधायक साथी और मुख्यमंत्री जी महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वहां पे ध्यान करेंगे और देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि ऑपरेशन लोटस से महात्मा गांधी देश को बचाएं। महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से बचाया था, महात्मा गांधी ऑपरेशन लोटस से देश को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अभी निकल रहे हैं, आप लोगों के साथ साथ ही निकल रहे हैं। सौरभ जी लगातार जो कारों में अपने अपने वाहनों में जाएंगे सब लोग। One big question is being asked again and again, what is the proof? Just as you counter the BJP by saying that if a BJP spokesperson makes an answer, it need not necessarily be true. So what is the proof that you have to offer that this has indeed happened? What you are alleging is has indeed happened. 4 बार चुने हुए विधायक खुद आके कह रहे हैं, देश की किसी भी अदालत के अंदर एक चुने हुए विधायक की अपनी गवाही मुझे लगता है सबूत मानी जाती है। आप पता कीजिएगा, ऑडियो टेप की सौरभ जी बात हो रही थी, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं बताया आम आदमी पार्टी। सही समय पे सब कुछ आपके सामने रखेंगे और ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हमारा मालवीय ने आज फिर 40 नंबर दिया, आपने 4 आप सामने लेके आए हैं, बाकी 36 कौन से विधायक हैं जिनको जिनके संपर्क में बीजेपी है? 12 से संपर्क हुआ है। हाँ, 12, 40 का इन लोगों का इरादा था।
जो आठ लोग नहीं थे मेरे को नहीं पता, सत्येंद्र जैन के अलावा जो आठ लोग थे उन सभी से फोन पर बात हुई। देखिए स्पीकर साहब से फोन पे बात नहीं हो पाई, वो कनाडा में है, इस वक्त कनाडा में रात होती है। मनीष जी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में स्टेज पे हैं, उनसे बात नहीं हो पाई। अमानत भाई मुझे लग रहा है रस्ते में है। बाकी विनय मिश्रा से, दिनेश मोनिया से, शिवचरण गोयल साहब से और गुलाब भाई से, इन सब से जो है लाउडस्पीकर पे सभी विधायकों के सामने जो है इनको चर्चा में लिया। मनीष सिसोदिया जी, ये बैठक पूरी तरह से फुल ड्रामा है। कौन बोल रहे हैं? मनोज तिवारी। अरे मनोज तिवारी जी का बड़ा बुरा हाल है, मैं आपको बताऊं। मनोज तिवारी जी मुझसे अभी परसों कह रहे थे कि दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 18 साल है और मैं उनसे बहस कर रहा था 21 साल है। मुझे मनीष जी ने बताया दिल्ली में शराब पीने की उम्र अभी 25 साल है। इस लेवल का झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि मुझे भी लगा कि हाँ यार शायद 21 हो गई होगी। दिल्ली में 25 साल उम्र है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर सभी राज्यों में 21 साल है और भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों में, गोवा में, सिक्किम में, अंडमान में, जम्मू कश्मीर में और एक और राज्य पुडुचेरी में 18 साल उम्र है। मनोज तिवारी जी को कुछ नहीं पता। सर आपका मतलब ये कहना है कि विधायकों से संपर्क में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ये अफवाह बीजेपी की तरफ से फैलाई गई कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा? देखिए ये एक खास मोडस ऑपरेंडी होती है, जब आप किसी विधायक को तोड़ते हो तो आप उसको बोलते हो तुम्हारे अलावा बहुत सारों से संपर्क है, वो हमारे साथ आ चुके हैं, तुम ही बचे हो। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह अफवाह फैलाई कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक जो है आज नहीं आएंगे मीटिंग में, जो कि गलत साबित हुआ।